हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको मेहंदी ट्रिक दिखाने वाली हूँ और प्लीज़ बिगनर्स जरूर देखिए वरना बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। सिंपली आपने देखा है ये माचिस की तिलियाँ हैं, इसको पहले मैंने मतलब साइज़ लगा लिया था कि मेरे को किस तरीके का चाहिए, उसके बाद मैंने इसे माचिस की डिब्बी के ऊपर चिपका दिया है। आप चाहो तो रेक्टेंगल बना सकते हो, ट्राइंगल बना सकते हो, उसके अलावा डबल लाइनिंग करके ही जिस तरीके से मैंने डायमंड लुक बनाया इस तरीके से बना सकते हो। बहुत ही ईजी हो गया फ्रेंड्स, जिनको मेहंदी लगानी बिल्कुल भी नहीं आती उनके लिए बेस्ट है। अब अगर यार ये ना सोचिए कि अगर आपको थोड़ी बहुत मेहंदी लगानी आती है, बहुत अच्छी मेहंदी लगानी आती है, तो आप सोचेंगे यार ये तो कोई भी लगा लेगा, ऐसा नहीं है। मैंने देखा है जिनको मेहंदी लगानी बिल्कुल भी नहीं आती यार वो कितना परेशान भी रहते हैं, मतलब जिनको शौक है बहुत ज़्यादा। और आप देख सकते हैं कि कितना आसान हो गया मेहंदी लगाना। और जो भी इसके अंदर मैंने डिज़ाइन अप्लाई किया है मैंने बताया है पूरे तरीके से, तो वीडियो देखते रहिए और लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आप लोगों की व्हाट्सएप वाली पिक मैंने लगाई है, तो प्लीज़ देखिए और आप सभी लोग देखिए ताकि आपको पता चल सके कि कैसी लड़कियां प्रैक्टिस करती हैं, कितना टाइम निकाल के। और आप लोगों में से काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि यार टाइम नहीं मिल पाता, मैं बिल्कुल मानती हूँ क्योंकि कभी कभी मेरे साथ भी यही होता है बहुत सारी चीज़ों में। तो पता है कि अगर आप मेहंदी लगाना सीख रही हैं ना, तो पता आप सिंपली एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप फोन रख लीजिए, आप 50 बार जाओगे उस जगह पर, यानी कि किचन। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो मैंने डिज़ाइन अभी अप्लाई किया था, आप चाहो तो इस तरीके का भी अप्लाई कर सकते हो, पर मुझे ऐसा लगा कि बिगनर्स के लिए थोड़ा सा ही टफ होगा, इसलिए मैंने सिंपली ये लाइनिंग वाला मैंने मतलब इसे बनाना ठीक समझा। और उसके अलावा भी जो डिज़ाइन बना हुआ है, जो भी डिज़ाइन मैंने अप्लाई किया है पूरे वीडियो में, वो बहुत ईजी है, बड़े आराम से आप लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं ये कह रही थी कि आप सिंपली एक कोन रख लीजिए और जब भी कभी किचन में रख लीजिए और जब भी कभी आप जाइए थोड़ा सा बस ट्राई कीजिए और वॉश कर दीजिए हैंड, आपकी ज़्यादा मेहंदी भी नहीं रच पाएगी, आप प्रैक्टिस भी कर लोगे और आसान भी हो जाएगा। और ये तो फिर आप कह ही नहीं सकते कि आपको टाइम नहीं मिला। और सिंपली देखा मैंने डॉट डॉट लगाया हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में, और बाद में छोटे छोटे सर्कल बना दिए ताकि हैवी लुक आ सके। तो मुझे उम्मीद है कि इसका फाइनल लुक देखने के बाद आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यार कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये ट्रिक पसंद आई या नहीं आई। तो फ्रेंड्स पूरा वीडियो देखते रहिएगा, बहुत प्यार से लड़कियों ने मुझे मेहंदी की पिक भेजी हैं, वैसे शायद मैंने लगभग लगा दी हैं, बट अगर कुछ रह गई हैं तो यार मैं देख लूँगी, थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम है, दिवाली आ रही है तो यार बस टाइम नहीं मिल पाता, यही वजह है। और बहुत ही प्यारी प्यारी मेहंदी लगाई यार आपने, बहुत ही, काफ़ी लड़कियाँ तो मुझे रेगुलर भेजती हैं पर कुछ इसमें से नए हैं, तो प्लीज़ देखिए। और मैंने यार कोशिश की है कि कोई रह ना गया हो, बट फिर भी अगर रह गया है, या बहुत सारी पिक ऐसी हैं जो एक ही जने ने भेजी है पर बहुत सारी हैं, बस इसलिए मैंने कि ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का डिज़ाइन मुझे ज़रूर बताना, और ये पिक भी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।